नवजोत कौर सिद्धू ने हलका सनौर विखे नवे दफ्तर का उद्घाटन किया। नवे दफ्तर का उद्घाटन करदिया पंजाब की राजनीति से गलबात करदिया ते किसानां दे बच्चियां ते किसानां बारे उन्होंने आख्या कि असी बच्चियां ते किसानां नूं बचाउणा है, किसानां नूं रिवायती खेती नूं त्याग के आधुनिक खेती वल वधण की जरूरत होएगी तां जो अफीम की कास्त नूं स्वीकार करन लई राजी हो सकण। जट महासभा दे प्रधान बनाउण लई किसानां दा धन्नवाद करदिया डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने बरगाड़ी समेत पंजाब की राजनीति नाल जुड़े कई मुद्दे ते खुल के बयान दिते। सिद्धू फैमिली जे डॉक्टर सिद्धू की गल हो तो 4 साल तो पॉलिटिक्स चो बाहर है, पर सोशल वर्क हजे तक बंद नहीं किया। सोशली अपने काम कर रही है, मिल भी रही है लोगों नूं। जिहड़ी यूथ लीडरशिप है नवी जिहड़ी तैयार हो रही है, या उह जे लोग जिहड़े निगलैक्टेड फील कर रहे सी थोड़ा कि असी उस लैवल ते काम करना चाहते हाँ पर असी नहीं कर पा रहे, उन्हां नूं हल्लाशेरी देने लई मैं सारे पंजाब च अवेलेबल हाँ। मेरी शर्त यही होंदी है, थोड़ियां जिहियां शर्तां होंदियां, ईमानदारी नाल काम करना है, लोगों नूं एसेसिबल होना है, बंद कमरियां च बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करनी, लोगों के विच रह के पॉलिटिक्स करनी है। जिन्हों तकलीफ है उहदे विच बैठो। तो शरी मेरे को आया, बच्चा है मेरा, काम करन दी इहने नाल इहदी टीम है, बहुत सारी टीम है, सारी टीम इहो जी है। ये पुराने मेरे तो बहुत पुराना काम करते आ रहे हैं, 4 डेकेड्स तो पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, पर शायद इन्हों मुल नहीं मिलिया। सो मेरा यही सीगा, घर च नहीं बैठना, तुसी बहुत चंगा काम कर रहे हो क्योंकि पॉलिटिक्स रह के तुसी बहुत सेवा, चंगी सेवा भी कर सकते हो। सो सेवा वाले पासे लगो, काम करो, फिर परमात्मा जिहड़ा जिथे तुहानू रखे उत्थे करो, पर लोगों च रहो तो सही, कोई भले का काम। सो ये सारी टीम वो है जिहड़ी कि काम करन दी जज्बा रखती है, लोगों लई खड़ती है। 5 महीने तो मैनू ऑब्जर्व कर रही है, मैं भी नहीं तो दफ्तर खोलन आई, 5 महीने तो लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के हल कर रहे हैं, लोग मेरे को आ रहे हैं, कह रहे हैं भी ये लोगों को जोड़ भी रहा है, बाकियों को भी चंगे पासे काम करता है, जिदी जिन्हों किसी चीज़ की लोड़ होती है हर सोशल कॉज के बच्चे खड़ता है। सो यह जो ऑफिसेस असं चाहवे सारे पंजाब खुलन, हूँ तो मैं क्योंकि जट महासभा की प्रधान हाँ, किसानों को मैं सारे पंजाब मिलना, अपनी टीम बनानी है, वो करके मेरी बहुत सारी टीम जी पंजाब की हैगी है, जिहड़ी मेरे नाल जुड़ी हुई है, यूथ जुड़िया हुआ है, वो बहुत सारे लोग जिहड़े सीनियर लीडरशिप च रहे हैं कांग्रेस की, वो भी मेरे नाल जुड़े हुए हैं, वो भी इत्थे आए। कि कांग्रेस तो अगला चेहरा भी हो सकदे जी हलका सनौर तो एमएलए दा? असी देखो, मैं तुहानूं पहले ही कहा, असी पॉलिटिक्स दे विच मैं इस गल च विश्वास ही नहीं करदी। मैं तो कहनी हाँ चेहरा वो होवे, मैं मेरा विश्वास यही है चेहरा वो होवे जिहड़ा जमीन फाड़ के लोग कहन भी ये बंदा सानूं लीड करना चाहिए। मैनू चेहरे फड़ के लोगों के उत्ते थोपने ना कदे पसंद है, ना मैं कदे उहदे फौर हाँ। मैं अपनी डॉक्टरी कर रही सी, लोगों ने एमएलए अमृतसर ईस्ट चों आवाज़ निकली, मैडम सिद्धू ने जी साडी सेवा कीती, इहनू टिकट दो, मैनू पता भी नहीं सी, मैं मरीज देख रही सी, मेरी टिकट आई, मैंने इहनू कहा मैं किसी टिकट च कुछ ही चीज़ च नहीं आ, मैं सेवा करो लोगों की, जे लोगों की आवाज़ चों निकले आवाज़ भी आह बंदा साडा लीडर होना चाहिए, ये बंदे ने साडे लई इन्ने काम किए हैं, ये बंदा मैम जी सानू दो अगे लैके आओ, उहदे लई मैं जद्दोजहद करके जिथे मर्जी तक स्ट्रगल करना पवे उहे जे लोकां नूं मैं जरूर चाहूंगी कि पंजाब चके आ। पंजाब दी राजनीति दी गल करिए, किसान धरनियां ते बैठे आ, कोई उहनां दा मसले दा हल नहीं हो रहा, दूजे पासे बरगाड़ी कांड नूं लैके फिर एक बार सियासी राह लैण दी कोशिश कीती जा रही है, कल सिद्धू साहब ने भी एक बार मीटिंग कीती है, कॉन्फ्रेंस कीती है, उहदे विच उहनां ने किते ना किते अपनी सरकार नूं कड़कड़े खड़ा कीता, की कहना चाहूंगे? देखो इस च सरकार ना सरकार दी गल ही नहीं, सच सच है, झूठ झूठ है, फैक्ट फैक्ट है, जे आप फैक्ट तो भजांगे तो आप कितने नहीं खड़े। किसानों लई क्योंकि मैं जाट महासभा च आ गई, मैं बहुत दर्द सीगा किसानों का, मैं रस्ते सड़कों से उदों की लंगर ला रही हाँ, मेरी टीम लगी हुई है, मेरे बच्चे उत्थे जा रहे हैं रेगूलर, समान लेके जा रहे हैं, पर क्योंकि उन्होंने कहा सियासी बंदा साढ़े को आवे मैं उत्थे जा नहीं सकी। सो मैं धन्यवाद करती हूँ, ऑल इंडिया लैवल तो पता नहीं कितों मेरा नाम आया, उन्होंने टकैत साहब हैं, उन्होंने युद्धवीर हैं ऑल इंडिया के, उन्होंने कहा जी पंजाब चो एक मैडम सिद्धू हैगी है, तो पता नहीं उन्होंने भी उन्होंने पंजाब की प्रधान बना दो। मैनू इस गल की खुशी है क्योंकि मैनू ये पता है भी किसान नू कल्ला ये लॉज नू हटा के हल नहीं होना, किसान नू इस चो कढ़ के किसान नू लखपति किवें बनाना है उहदा इलाज मेरे कोल हैगा, वह साडे कोल हैगा, वो असी करांगे भी असी किसान नू किवें करना है, लॉज दे की फ्लॉज हैं की फॉल्ट्स हैं वो पूरा स्टडी किया, किसानों के कोल जावांगे, NRIs नाल गल हो रही है, 28th नूं भी मेरी कॉन्फ्रेंस है डायरेक्ट उन्हां नाल, मैनूं 5 उद्योगपति नहीं, मैनूं 200 उद्योगपति चाहिए हैं पंजाब च जिहड़े आके साडे किसानां नूं इस नरक चों बाहर कढ़न। मैडम 2022 दे विच तुसी और सिद्धू साहब अहम चेहरा हो सकदे हो,
ਕੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਚੱਲੇਗਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜੂ ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਜਾਊ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕੇ ਲੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਗਾਜਰ ਆਵਾਕਾਡੋ ਹੌਪਸ਼ੂਟ ਲਾਈਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 200 ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਕਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਕਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਊਂ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਊਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਸਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕਵੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰਾਈਸ ਨਾ ਲਾਵੇ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ ਆਪਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਾਲ ਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਚੱਕੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ MSP ਥਾ ਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ MSP 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 100 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਜਾਊ ਕਰਾਓਗੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਲੋ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਿਓਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੁੜਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਕਰਨ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ 5-5 ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ ਆਹ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਹ ਤੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਚੱਕੂ ਫਿਰ 5 ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ 200 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਵੀ DBT ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੜਾਓ ਉਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਰੂ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ
क्यों क्या सी एडवरटाइजमेंट सरकारी होवे क्यों क्या सी क्योंकि 50,000 करोड़ दी सेविंग होवे ताकि मैं हर बच्चा जेड़ा भी डिग्री पास करे मैं उन्हें घट तो घट 10-15 हज़ार की नौकरी दे सका। साडा मकसद यही है जो सरकार अमीर होगी नौकरियां दूगी जब तक सरकारी स्कूल नहीं भरोंगे सरकारी हस्पताल नहीं भरोंगे। दिखाओ किन्ने सरकारी स्कूल च हर टीचर है स्पोर्ट्स का टीचर है आर्ट्स का टीचर है थोड़े को सब्जेक्ट्स का टीचर है नहीं फिर तुसी अपने बंदियां नूं कहने हो सारे पैसे बंदा एग्जॉस्ट करके अपने बच्चे नूं टीचर बनांदा है तो जे टीचर को नौकरी है नहीं। मैं ही कहनी हाँ नौकरी तो छड्डो टीचर को चॉइस होनी चाहिए है। अजकल नोडल फैमिलीज है अजकल ये नहीं है भी घर वाला इत्थे है घर वाली नूं उत्थे भेज दो चल तू गुरदासपुर बच्चा सड़कां ते तुसी चॉइस दो मेरिट के हिसाब नाल आपे ही टीचर होवे डॉक्टर होवे आपे ही अपने नेट ते अपनी असामी अपनी एजुकेशन के हिसाब नाल भरे मैं इत्थे काम करूँगा मेरी मेरिट के हिसाब नाल मेरा बंदा मैं इत्थे काम करूँगा पर जदों ही डिग्री पूरी करे बच्चा ओदी नौकरी सरकार दा फर्ज है तैयार करे। मैडम जिस तरह तुसीं कहा कि किसान नूं अगे वधाना है अच्छी खेती करनी है किसान तो एक बार फीम दी खेती दी भी मंग करदे सी बिल्कुल करनी है क्यों नहीं करनी मैं कहनी हाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होवे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं क्यों फीम दी खेती रोकी क्योंकि सिंथेटिक ड्रग फैलानी सी पंजाब च तुसीं है ना जदों तक फीम चल रही सी सिंथेटिक ड्रग नहीं सी बिक्री कोई नहीं सी लै रहा सब नूं पता सी भी मरदा नहीं है जवाक जे प्यो नूं दादे तों देखदा आया वो भी वो छोटी जी टुकड़ा सरकारी सप्लाई क्यों आती सी भी साढ़े डॉक्टर को साढ़े को सरकारी सप्लाई आती सी अज 10 बंदे फड़ लो 7 बंदे एंगजाइटी का शिकार है डिप्रेशन का शिकार है काम नहीं चल रहा कुछ नहीं चल रहा बीमार है अगले नूं पता है थोड़ी जी इन्नी क फीम लैंदा सी अगे ओवरडोज भी हो जाते कुछ नहीं सी हुंदा दूजे दिन खड़ा हुंदा सी अज सिंथेटिक ड्रग्स आईयां तां है क्योंकि आपां फीम बंद की है सिंथेटिक ड्रग्स का धंधा चलाने लई फीम की खेती बंद की हिमाचल भी तो मंग रहा है हुण इत्थे ऑल इंडिया क्यों नहीं रूल लागू कर दे पर कंट्रोल चाहिए था। देखो ये नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए हूँ फीम हर कोई वर्ग बंदा खा के फिर तुम कहोगे मैम तो ड्रग्स नूं प्रमोट कर रही है मैम ड्रग्स नूं हटा रही है कोई बंदा सिंथेटिक ड्रग नहीं लेगा कोई बंदा टीका नहीं लाएगा कोई बंदा मरन नूं तैयार नहीं है जे उन्हूं पता है कि जे मैं हल्का जा नशा करना है या मैनू घबराहट हो रही है मैं कुछ लेना है मैं फीम ले लूँगा थोड़ी जी उन्हूं लीगलाइज डॉक्टर दवे सरकार कंट्रोल करे कैनेडा तो अमरीका मंग रहे हैं थोड़े तो फीम लखपति हो जू किसान जिदन फीम लाने लग गया हूँ कि राजस्थान तो नहीं आ रही हूँ कि बाहरली स्टेट्स तो नहीं आ रही हूँ कि हिमाचल नहीं कह रहे मैं फीम लानी है फिर पंजाब क्यों मुकर रहे है पार्टी एक थोड़े को जरिया होंगे लोगों तक पहुँचने का पार्टी एक नाम होंगी है पार्टी दे हायर लोग की एक्सपैक्ट करते हैं थोड़े तो नीचे वाले जोड़े लोग हैं वो की परफॉर्म करते हैं वो पार्टी की इमेज नहीं है। मैं हमेशा कहनी हाँ पार्टी की इमेज पार्टी नू रन करन वाले लोग बनाते हैं पार्टी कोई भी होवे पार्टी दे कोई भी नाम लग जे जे लीडर चंगे हैं मंत्री चंगे हैं चंगे MLA हैं लोगों का लिए काम कर रहे हो पार्टी चंगी है। मैडम तुसी किसी होर पार्टी च भी मूव कर सकते हो क्योंकि तुसी बिल्कुल कहा कि मैं लोगों के लिए सैक्रीफाइस किया सिद्धू साहब ने भी सैक्रीफाइस किया एडीडी सीटा छड़ियां देखो मैं थोनू क्या मेरे लिए पंजाब दे हित दे विच कोई भी फैसला लेना पवे मैं उत्थे टिकी हुई हाँ मैं पंजाब दे लोगों का भला चाहनी हाँ पॉलिटिक्स होवां या ना होवां एंड जे सारा कुछ सैक्रीफाइस किया तो इस गल लई इस बार तक तो जरूर जोर लगाऊंगी कि पंजाब नूं इस नर्क चो कढ़ के अपने बच्चों नूं बाहर जाने तो रोकीए क्योंकि मैनू लगता है कि ये लास्ट अटैम्प्ट है जे हुण अपने सारी यंगस्टर पीढ़ी बाहर नूं भज गई फिर अगे इतने थोनों बजुर्ग ही मिलेंगे पंजाब च फिर आप बचा नहीं पावे जे ऐतकी आप रोक के कम लाता कम देता पंजाब नू दिशा दिखाती तो पंजाब सोना है सोना की मिट्टी है इतने यह जी धरती है जी 12 महीने उपजाऊ है आप कली खेती तो ही पंजाब नू एग्रीकल्चर ही है जिन्हें GDP जिनी मर्जी देश की GDP गिरी एग्रीकल्चर की GDP नहीं गिरी ताई तो अंबानिया अडानिया पंजाब नज़र आया इनिया जमीन क्यों नज़र आई है ना लोगों को इन्हों पता है भी असं इतने कुछ भी लगा के करोड़ों करोड़ों पति बन सकते हैं पर असं किसान नहीं बनाना मैं कहनी हाँ मैं थोड़ा आन नहीं देना मैं 200 उद्योगपति लेके आऊँगी है ना मैं अपने किसान दे मुंडे नू कहूँगी तू रुक सिख कोल्ड स्टोर खोल सरकार नू कहूँगी दे लोन इनू कोल्ड स्टोर इनू दे IT सैल कहते ना IT सैल च करे स्टेट के नाल गल इंटरस्टेट कि मैं स्टेट बेचूँ समान
है ना बिहार च हॉप शूट लगाई है। मैं फिर कह रही हाँ 1 लाख रुपये किलो एवाकाडो 400 रुपये का एक पीस, सारी दुनिया खा रही है, मेरा घर वाला रोज खाता है, तो पंजाब के किसान तो क्यों नहीं खा रहा? जिदे को 4 पैसा है वह हेल्दी खाना अपने टेबल पर खाता है। शतूत गायब करते, सारी दुनिया च बेरीज का क्रेज है, पंजाब की धरती इतने ऐसी है, इतने बेरीज जिन्या मर्जी ला लो, अजकल हेल्दी फूड चो मनिया गया। जे तुसी एक्सपोर्ट अज कर दो तुसी लखपति हो, पर थोनू इस ते काम करना पऊगा, किसान तो लैके सरकार तो लैके सारे बंदियां नू लैके। सो साडा यही रहूगा कि असी सारे पंजाब च घूम के किसान भी वापस आ जाए, वाहिगुरु सुख रखे, लॉज एक बार कैंसल हूँ, फिर असी सेंटर नाल बैठिए, सानू टाइम देन, सानू फैसिलिटेट करन, साडी स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, असी ये अडल्ट्रेशन दे प्रोसैस तो, ये फर्टिलाइजर दे प्रोसैस तो, जिदे नाल असी अपने पंजाबियों नू भी मारता, तो असी अपनी चीज़ बाहर भी नहीं बेच सकते, इस चो बाहर कढ़ीए तो द्वारा पंजाब नू सोने की चिड़िया बने। पिछले कई दिनों तो किसान मोती महल के बाहर बैठे हुए हैं, जम्मू कटरा हाईवे नू लैके उन्हें जमीन रिक्वायर कर रिक्वायर की जा रही है, लीडरशिप नू चाहिदा भी जाके सेंटर तो वो बंदियां दे नाल गल करे भी जमीनी रेट की है। हुण किसी भी बंदे नू मैनू भी कहोगे मेरे घर चो तू निकल जा, तू इन्ने पैसे लैके जा, मैनू तकलीफ होगी, ठीक है ना? तो ये होना भी नहीं चाहिए, पर यह सरकार का काम है, यो लीडर का काम है कि वह वर्क करे उन्होंने बैठे। मैं तो यही जी लीडर से, मैं तो बिच जाके बहुत सी भाई की तकलीफ है आ जा गल करिए, यह तो हूँ गल करे तो मुकनी है ना, पर यह तो गलत है। तुम मैं कहोगे भी आ तेरा घर है, यदा इन्ना हिस्सा मैं एक्वायर करूँ, इन्ना तू रख लै, इन्ने का आ रेट दो, यह तो कोई गल नहीं बनती ना। तुम तो पूरी वो जमीन भी नहीं लै रहे, फिर तुम उन्होंने रेट भी अपनी मर्जी दे रहे हो, तुम मार्केट रेट से गल करो। पर ये जे सेंट्रल गवर्नमेंट दी है उन्हें स्टेट गवर्नमेंट का रोल मिले, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਏਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।